मिट्टी मिट्टी हो गई है पूरी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है बाहर। और वेदर रिपोर्ट में भी मैंने चेक करा था गूगल पे कि हफ्ते तक अभी कोई बारिश नहीं होने वाली, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी। और बाहर हम बैठ नहीं सक रहे हैं, हम रूम में ही है। पर मम्मी को आपको मैं जाकर दिखाती हूँ, मम्मी अभी भी काम कर रही हैं, मम्मी बैठ नहीं सकती। मतलब खाली मुझे समझ नहीं आता कि जो गांव के होते हैं लोग, गांव के लोग खाली बैठ ही नहीं सकते। जब से मैं यहाँ आई हूँ देख रही हूँ कि गांव के वैसे मैंने देखा है यहाँ, मतलब गांव के जो भी लोग हैं कोई ना कोई काम लगे रहते हैं करने को। मम्मी को ही देख लेती हैं, मम्मी मतलब काम कर ही जा रही है। मतलब वो बेड में सिर्फ लेटना है उन्होंने रात को, इसके अलावा उन्होंने कोई आराम नहीं करना। तो अभी भी मम्मी बढ़िया बना रही है, तो मैं जाके आपको देखो थोड़ी के फिर हां तो दिन दिन पाई नहीं ना वर्क ट्रिप पर खाने पे करना दिन ना पता क्या ना पानी पर खाने पे करना है। सब पानी में चूसता सब फिर चले जा और ना चले दे हवा इतनी मचा दो चले तो दे हवा जाने तेरे की पानी पानी चूस लेना सब लोग जाम होता ताई दी बच्ची हां इतनी एक ही बनने दी फिर ये रह जंदी पे सीनी रह हां सती मेरा ये देखो। मैं आपको फ्रिज में दिखाती हूँ। तो ये फ्रिज में जो ये पड़ा है ना, ये भी सारा इसका हमने दही भल्ले बनाने हैं। तो ये मम्मी ने अलग निकाल के रख दिए थे दही भल्ले के लिए, तो ये हम शाम को बनाएंगे। ये अभी इतने दाल पड़े हैं, ये करते करते तो शाम हो जाएगी। आराम कर लो तुसी, बाद च कर लांगे शाम नू। इन्नी धुप पै रही है ते फिर ना सुकना नहीं ना शाम नू। अच्छा अच्छा, सुकानी है इसमें। मम्मी मिली है चने की दाल, ते एक मां दी दाल, एक और केड़ी दाल मिली हुई है। दूजा हुंदा वो सब्जी बनांदे ना त्योड़ियां गलां दे, क्यों कहंदे आ? हां जी हां जी जी जी, क्यों क्योरियां, क्योरियां दी फलियां हुंदी जेड़ी। अच्छा, किसे माचर च बीजने ना ही। तो इसकी अभी बनेगी सुखाकर, ये सब्जी बनाएंगे ना हम इसकी, इसकी सब्जी बनेगी जैसे बढ़िया होती है। तो ये भी सुखा के बढ़िया बन जाएगी। तो ये तो इतनी ज़्यादा है मम्मी, ये ख़त्म कब होगी? थोड़ी दीदी तो लीजिए, इसको हमने रख दिया अभी धूप में। और ये रही बाकी की, इसे तो बनाते बनाते शाम हो जाएगी। और मम्मी अभी उधर चली गई हैं क्यारियों में पानी देने। तो इसको देते हैं हम सूखने को और मैं अंदर जा रही हूँ, बहुत गर्मी है बाहर। तो देखा आपने, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी पर फिर भी मम्मी लगी हुई है, ज़रूरत है नहीं इसकी वैसे अभी, पर चलो चलते हैं। तो ये देखिए, ये मम्मी ने, ये देखिए, ये सारे मम्मी ने बढ़ियाँ बना के ख़त्म कर दी हैं और पूरी दोपहर को लगी रही हैं बढ़ियाँ बनाने के लिए। तो बढ़िया बना के मम्मी ने ख़त्म कर दी है और मैं सोने चली गई थी क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी और धूप भी बहुत थी, तो मैं सोने चली गई थी। तो बाद में पता चला, मैं चाय बनाने लगी तो बाद में पता चला कि गैस ही ख़त्म हो गई है, तो अभी चूल्हे में खाने बन रहा है। तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਾਈਆ ਤੂੰ ਦਲੇ ਵਾ ਕਰ ਤੇ ਦੇਰ ਦੋ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਿੰਦੇ ਤਰੀਆਂ ਦਿਨ ਪਾਈਆ ਲਿਓ ਆ ਕਰਮਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ। ਤੋ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਹਮਾਰਾ ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਤੇ ਭਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰ ਗੈਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਚਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰਾ ਤੋ ਆਧਾ ਖਾਣਾ ਤੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਫਿਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹਮਾਰੀ ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੋ ਆ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੜ ਰਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, और यहाँ देखिए वेदर कितना अच्छा हो गया, ये देखिए। तो आज का सारा खाना बनेगा चूल्हे पे, तो चूल्हे पे मैं खाना बना नहीं सकती हूँ, तो आज का सारा खाना मम्मी बनाएगी। और अभी बनने हैं दही भल्ले, और फेस पे कितनी स्वेलिंग आ गई है ना मेरी,
क्योंकि अभी सो के उठी हूँ मैं, तो प्लीज़ इग्नोर करना इस स्वेलिंग को भी। और चलिए आपको दिखाते हैं हम चूल्हे पे खाना हम कैसे बना रहे हैं। मिट्टी हो गई है पूरी, पता नहीं बारिश आएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ पे अभी हम चूल्हे में जल्दी जल्दी बना लेते हैं क्योंकि बारिश का भी कुछ पता नहीं है। बस तड़का ही लगाना है। तो इतना तूफान चल रहा है यहाँ पे और लाइट भी चली गई है उस साइड। बुझी नहीं आग है। अभी थोड़ी देर पहले कुछ भी नहीं था वेदर में और इतना तूफान आया हुआ है यहाँ पे, पूरा बादल बिल्कुल काला आया हुआ है यहाँ और इतनी बारिश हो रही है। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मुझे लगा खरगोश है निकला किंडर। पहले मुझे लगा नेवला है, फिर मुझे ना उसके कान दिखे बड़ी बड़ी, मुझे लगा खरगोश है, निकला फिर बाद में गिद्दर निकला, इधरों गया गिद्दर। तो लीजिए लाइट यहाँ आ गई है और मम्मी यहाँ आम ले आई है। इतनी रात को और इतना आंधी तूफान चल रहा था फिर भी मम्मी यहाँ पे आम लेकर आ गई है। आम हमारे यहाँ आम का पेड़ है तो वहाँ तूफान से, हाँ जी हाँ जी, तूफान से गिरा है ये आम। तो मम्मी ने बोला वेस्ट क्यों करने हैं, तो ये हम ले आए हैं। और बाकी के जो आम हमने छीले थे ना उसके आमचूर बनाएंगे और इसको भी छील लेते हैं। और लीजिए यहाँ लाइट भी आ गई है और ये खाना जो कि चूल्हे पे बना था। तो चलिए इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बस।